नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। आपके साथ मैं हूँ रीना। रात में सपने देखना सामान्य बात है, सभी को अक्सर रात में सोते हुए कोई ना कोई सपना आता है। हालांकि कई बार सपने में ऐसी चीजें दिख जाती है जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। आखिरकार उन सपनों का क्या रहस्य होता है? ऐसा क्या ऐसे सपने डरावने, शुभ सपने देखना शुभ होता है या अशुभ होता है? इन सब सवालों का जवाब स्वप्न शास्त्र में छुपा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं अजीब सपनों के अर्थ के बारे में। अगर आपको सपने में काली बिल्ली दिखती है तो इसे अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली दिखने को दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है, साथ ही निकट भविष्य में किसी बुरी घटना के होने का सूचक भी माना जाता है। इसके अलावा सोते हुए अपने सपने में काली परछाई का दिखना अच्छा नहीं माना जाता। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में काली परछाई दिखने का अर्थ है अंधकार, मृत्यु, शोक, अस्वीकृति या घृणा या द्वेष का संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जल्द ही संकट काल शुरू होने वाला है। इसके अलावा कई बार हम सोते हुए सपने में खुद को यात्रा करते हुए, यात्रा की तैयारी करते हुए देखते हैं। इस तरह का सपना देखना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि आप जीवन में विदाई लेकर बैकुंठ के लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा सपना दिखे तो निकट भविष्य में यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सपने में कौवे को देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। दरअसल इंसान की मृत्यु के बाद उसकी याद में हर साल पिंडदान किया जाता है, यानी कि कौवों को भोजन कराया जाता है। ऐसे में अगर आप सपने में घर के ऊपर कौवे को मंडराते हुए देखते हैं तो किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा शकुन के मुताबिक सपने में सांप का दिखना भी आने वाले समस्या या रुकावट का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्दी कोई परेशानी आपको घेरने वाली है या आपके सही सलामत चले रहे काम में कोई रुकावट आने वाली है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।